उत्तर प्रदेश के हरदोई के ग्राम पतोहिया में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने तीन आरोपियों को काबू कर लिया है। आपको बता दें कि बीती 4 अक्टूबर को हरदोई के संडीला क्षेत्र के ग्राम आटा मऊ के रहने वाले यूनुस नामक व्यक्ति की ग्राम पतोहिया रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संडीला पुलिस व एसओजी टीम ने खुलासा किया है कि उसने हत्या में प्रयोग हुए अवैध असलों व मोटरसाइकिल के साथ तीन आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों को संडीला अतरोली रोड से काबू किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संडीला सूर्य प्रकाश शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक एसओजी टीम ब्रिज किशोर सिंह के अलावा उप निरीक्षक इरशाद अली व अमित सक्सेना संडीला तथा उप निरीक्षक अरविंद यादव स्वाट टीम व पुलिस बल शामिल रहा। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को जानकारी दी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तारीख को थाना संडीला क्षेत्र में एक यूनुस नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के क्रम में एक मुकदमा अपराध संख्या 478/20 पंजीकृत हुआ था। इसमें हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इस घटना के खुलासे के क्रम में ये तीन अभियुक्त, जिनका नाम शिवशंकर, अनिल और राम सेवक है, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं पुलिस द्वारा। इनके पास से 3 तमंचे और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी सुपर स्प्लेंडर, वो बरामद हुई है। इस घटना का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग जानते भी हैं कि अब से कुछ वर्ष पहले वर्ष 2018 में एक घटना हुई थी थाना संडीला में आटामऊ गांव में ही, जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की हुई थी। तो ये रंजिश थी इन लोगों में, जिसका इनका कहना है कि उस रंजिश के तहत बदला लेने के लिए इन्होंने घटना को कारित किया है। पुलिस द्वारा इस घटना का कम समय में सफल अनावरण किया गया है। तो इसके लिए जो हमारी एसओजी की टीम है और हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में जो सीओ संडीला और एसएचओ संडीला ने काम किया, उन्होंने इसके खुलासे के लिए इनको बधाई दी जाती है। और इसमें जो अभियुक्त जो प्रकाश में आएंगे और जो बचे हुए हैं उनकी भी पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें हत्या किसकी हुई थी, मतलब किस मोटिव को लेकर ये लोग? इसमें जो ये शिवशंकर और अनिल हैं, इनके पिता की हत्या हुई थी और इनको इस बात से लेकर रंजिश थी कि जो इनके पिता को मार दिया गया था, तो इनको बदला लेना था। और इनका कहना था कि यूनुस इनको चिढ़ाता था, इन पर हंसता था और इनको डराता था, धमकाता था, जिसको लेके इन्होंने प्लानिंग की। और प्लानिंग के करने के बाद अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर, जो कुछ लोग प्लानिंग के पार्ट हैं और कुछ एग्जीक्यूशन के पार्ट हैं, इस तरह से इन लोगों ने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.